श्री केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह हिमालय में स्थित 4 धामों में से एक है और हर साल यहाँ हजारों पर्यटक और तीर्थ यात्रियों की भीड़ श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आती है और केदारनाथ आना हर किसी का सपना भी होता है। इसके अलावा केदारनाथ ट्रैक अद्भुत रूप से सुंदर है और काफी खूबसूरत है। यहाँ की हवाओं में आपको भगवान भोलेनाथ की एक अलग ही सुखद लय का अनुभव होगा, जिसको शब्दों में बताना असंभव है। केदारनाथ ट्रैक करते समय हमें यहाँ की प्रकृति सुंदरताओं के अनुभव होता है, जिसके लिए हर साल यहाँ पर्यटक आते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ पूरी एक यात्रा शेयर करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और आपको कितना दिन लगने वाला है, कितने दिन का टूर बना के आना है। पूरी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पे आने के लिए। आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बाबा का नाम लेते हुए, हर हर केदारनाथ बाबा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तो इसके कई सारे उन्होंने मोड दे रखे हैं जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और दूसरा है मोबाइल ऐप, या अगर आप एंड्रॉइड या आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी इनकी ऐप अवेलेबल है, वहां से भी जाके आप करवा सकते हैं। और इससे भी इजी जो वे है, इनका व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है यात्रा और वहीं से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 3 मोड इन्होंने ऑनलाइन दे रखे हैं और जगह जगह इनके फिजिकल बूथ भी बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके फिजिकल भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन करवा के ही जाएं, क्योंकि वहां पे जाके आपको लाइन में लगने से आप बच सकते हैं। आपको केदारनाथ की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होगा और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन वेल कनेक्टेड है मोस्टली सिटियों से, सो आप किसी भी सिटी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इजिली पहुंच सकते हैं। और ऋषिकेश से आगे का जो हमारा ट्रेवल है वो बाय बस होने वाला है। ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस मिल जाएगी जिसका डिस्टेंस 240 किलोमीटर का है। और वह मैं बात करूँ फेयर की, तो वो आपसे 650-700 रुपए करीब यहाँ से फेयर लेंगे और आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग छोड़ देंगे। और जब हम बाय बस या पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो हमें सोनप्रयाग में ही रुकना होता है और सोनप्रयाग में ही एक बहुत बड़ी पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल भी लाते हैं तो यहाँ पे अपने गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे जाने की अनुमति किसी भी गाड़ी को नहीं होती है, तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग मिल जाती है। और सोनप्रयाग से गोरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो 3.7 किलोमीटर के करीब है, जो कि यहाँ की जो लोकल टैक्सी है वो चलती है और वो आपसे 50 रुपए चार्ज लेती है। गोरीकुंड से केदारनाथ की जो यात्रा का डिस्टेंस है वो 15-16 किलोमीटर है और आप जब भी यहाँ पे आए तो कोशिश करें कि जो अपनी यात्रा की शुरुआत है सुबह जल्दी करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टाइम लगने वाला है चढ़ाई करने में वो 8-10 घंटे करीब लगने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फिटनेस कैसी है, उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है कि आपको कितना टाइम लगेगा आगे। केदारनाथ जी की शुरुआत के आधे किलोमीटर के रास्ते में आपको खाने पीने की, कपड़े की, दवा की दुकान मिल जाएगी और डेली नीड की सभी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अगर आप बैग जमा करते हैं पर बैग आपका 100 रुपए चार्ज लगेगा 2 दिन के लिए और पर ट्रॉली 150 रुपए है। और दोस्तों जब इस चार्ज बता रहा हूँ ये 2 दिन के लिए है। मैं बात करूँ मैं होटल्स की, तो दोस्तों यहाँ पे होटल्स की जो लिस्ट आप अभी डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप डबल बेड लेते हैं तो 2500 रुपए है, 3 बेड के 3000 रुपए है और 4 बेड के 4000 रुपए है और वही दोस्तों 5 बेड के 5000 रुपए है। ये होटल के यहाँ पे रेट लिस्ट है। केदारनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से 11,775 फीट के करीब है। गोरीकुंड से केदारनाथ पैदल या घोड़े से या फिर हेलीकॉप्टर से तय करना होता है। यहाँ पे घोड़ों की प्राइस की तो यहाँ पे रेट फिक्स है जो कि अभी आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, बाकी आप इनसे बार्गेनिंग करके भी रेट ऊपर नीचे कम करवा सकते हैं। दोस्तों मेरे पीछे है गोरीकुंड और यहाँ पे दोस्तों हम स्नान करते हैं और गर्म पानी काफी ज्यादा है। यहाँ पे स्नान करने के बाद हम अपनी यात्रा आगे स्टार्ट करते हैं। नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में आपको छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिल जाती हैं जहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैगी वगैरह छोटे मोटे आइटम आप खा सकते हैं। यह मौसम 10 सेकंड में चेंज हो जाता है तो रेन वगैरह आती है तो आगे शेल्टर बनाए हुए हैं 50 मीटर पे।
थोड़ी थोड़ी दूर पर दोस्तों आपको इस तरह के शेल्टर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप रेन अगर वगैरह होती है तो आप इजिली यहाँ पे बस सकते हैं उससे। जगह जगह इन्होंने ऐसे विश्राम पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पे आप रुक रुक के यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो यात्रा है बिल्कुल खड़ी चलाई है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। सो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा चलिए, उसके बाद रेस्ट करिए, नींबू पानी हो गया, सलाद हो गया, कॉफ़ी चाय पानी वगैरह आप लेके चलते रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट होगा और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। सो रेस्ट करते करते आगे बढ़ते। प्राथमिक उपचार केंद्र भी है जहाँ पे दोस्तों आप अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं जो कि जस्ट इन फ्रंट है। तो दोस्तों रास्ते में आप ऐसे नींबू पानी पीते चलिएगा, बिकॉज आप एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा लॉस होगी, तो इसको पीते चलिएगा और इजीली आप अपना यात्रा कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों जब भी आप केदारनाथ आएँ तो अपना रेनकोट साथ में लाएँ, और अगर साथ में नहीं ला सकते तो यहाँ पे 100 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 सेकंड में मौसम चेंज होता है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट हो गई बारिश यहाँ पे, सो हमने रेनकोट डाल लिया है, और क्योंकि दोस्तों हमें यात्रा कंटिन्यू करनी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ी शॉर्टेज है, दैट्स व्हाई हमने रेनकोट पहन के अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी घड़ी में 2:10 पे हैं और अभी दोस्तों मुझे लगी हुई काफ़ी तेज़ भूख, तो चलिए लंच कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं पीछे आपको वाइट रंग का दिख रहा होगा, स्टॉल बने हुए हैं दोस्तों जगह जगह पे, जहाँ पे दोस्तों आप पराठे, मैगी, कॉफ़ी, टी वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको अंदर से दिखाता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। आपको ये 500-600 मीटर पर आपको इस तरह के ये देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको अंदर से दिखाता हूँ कि किस तरह से है ये। तो दोस्तों हम जैसे एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरह की यहाँ व्यवस्था है, और इस साइड सब पराठे वगैरह सब सब कुछ मिल जाता है। चलिए पहले बारिश हुई थी, अब बारिश खत्म होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वेदर यहाँ कितना कूल हो गया है। ऊपर आप दोस्तों देख सकते हैं ये आपको तो लगा अगर कोहरा नहीं है दोस्तों, ये बादल है बारिश होने के बाद का ये नज़ारा है। जगह जगह यहाँ फ्री वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो देखने को ब्रिज मिल जाते हैं, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। वाला ब्रिज पार करते हैं तो इस तरह की बिल्कुल सकरी एंड खड़ी चढ़ाई आ जाती है, जहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी सी दूर चढ़ने पर सबको सांस फूल जाती है, और आप दोस्तों देख सकते हैं ये चढ़ाई काफी ऊपर तक ऐसी ही बनी हुई है, और आप देख लेंगे मेरी भी काफी ज्यादा सांस फूल गई है। हाँ बाकी दोस्तों इस पॉइंट पे आके एज आप व्यू देख सकते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हो कितना बढ़िया व्यूज है। दोस्तों घड़ी में अभी 4 बज गए हैं और मुझे यात्रा करते हुए 5 घंटे करीब हो चुका है, और मैंने 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 5 घंटे के अंदर। और दोस्तों मैं एवरेज लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की चढ़ाई का। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट दोस्तों उस वाले पहाड़ से उस कोने से आए थे, और अभी काफ़ी दोस्तों ऊंचाई पर आ चुका हूँ, और आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से जो दोस्तों केदारनाथ का डिस्टेंस है 8.5 किलोमीटर है। यहाँ का रास्ता देख सकते हैं, यहाँ का रास्ता दोस्तों नॉर्मल जितने भी मैंने जस्ट जर्नी करी है उनके अकॉर्डिंग काफ़ी टफ है, बिकॉज आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टाइम टाइम बारिश होती रहती है, अभी जस्ट बारिश हो ही रही है, उसकी वजह से रास्ता और फिसल, एक तो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और उसके साथ साथ दोस्तों फिसलने वाला रास्ता भी बन जाता है, जिसकी वजह से तो यहाँ पे चढ़ाई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शाम हो चुकी है, घड़ी में बज गए हैं 5, और दोस्तों आप देख सकते हैं बर्फ इस पे इस पहाड़ों पर कोहरा चलना स्टार्ट हो गया है, और बारिश तो दोस्तों कंटिन्यूसली ही हो रही है यहाँ पे। वेदर दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे में कोहरा हो गया, बादल पूरे में है, तो ये संकेत देता है कि दोस्तों बर्फ पड़ने वाली है। दोस्तों घड़ी में अभी 6:30 बज गए हैं, और आप देख सकते हैं अपना नाइट व्यू, और ताबड़तोड़ दोस्तों यहाँ हो रही है बारिश, और फिलहाल तो दोस्तों बारिश थम गई है, और आपको एक चीज और दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बर्फ सी जम गई आप देख पा रहे होंगे, और मैं आपको पास दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों पत्तों के ऊपर पूरी बर्फ सी जम चुकी है, और यहाँ से दोस्तों बापू डिस्टेंस की तो 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है केदारनाथ बाबा का। तो दोस्तों घड़ी में अभी 9 बज रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ केदारनाथ से 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही बेस कैंप करके ऐसा आता है, जहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे कैंप्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करूँ मैं इसकी प्राइस की तो यहाँ पे दोस्तों पर हेड आपको 500 रुपये पे करने पड़ते हैं, और इस तरह से दोस्तों आप ले सकते हैं। शेयरिंग का ऑप्शन भी है, सिंगल भी है, जैसे दोस्तों ये सिंगल वाले हैं और शेयरिंग भी है,
और दोस्तों मैं बात करूँ अभी के टेम्परेचर की, तो अभी का हम टेम्परेचर -4 डिग्री का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बर्फ वगैरह पूरी यहाँ जमी हुई है और बेहद ही ठंड है दोस्तों उस समय। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पूरे में बर्फ जमी हुई है। मैं आपको थोड़ा पास से जाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों सारी बर्फ यहाँ पे पूरी जमी हुई है। पूरा कुछ इस तरह का टेंट है, ठीक है, इसमें हमने शेयरिंग में लिया है और यहाँ पे आपको इस तरह से रजाई वगैरह मिल जाती हैं। तो ये पर हेड में 500 रुपये पड़ा है और कुछ इस तरह का है, रजाई भी ठीक ठाक है। बाकी दोस्तों ठंड माइनस में तो थोड़ा सा नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं लुक। मॉर्निंग गाइस, अभी घड़ी बज रहे हैं 4:30 और अभी दोस्तों मैं हूँ बेस कैंप में और मैंने अपने दोस्तों नाइट थी इन्हीं बेस कैंप में बिताई। और दोस्तों बात करूँ यहाँ पे इसके रेंट की, तो अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो आपको 500 रुपये पड़ जाता है, अगर आप पर्सनल लेते हैं तो आपके नीट अकॉर्डिंग उसका प्राइस अप डाउन होता है। तो यहाँ पे एडवाइस ये रहेगी कि पर्सनल ना लेके शेयरिंग लेना बेस्ट रहता है। तो अब यहाँ से हम यात्रा करने वाले ऐसी जगह केदारनाथ की, यहाँ से दोस्तों बात करूँ डिस्टेंस की तो 2.5 किलोमीटर करीब यहाँ से करीब डिस्टेंस होने वाला है। बाकी दोस्तों अभी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, चार तो टेंट लगे हुए हैं और टेंटों के ऊपर दोस्तों पूरे इस तरह से दोस्तों यहाँ पे पूरे बर्फ जमी हुई है, देख पा रहे होंगे। और मैंने टॉप वगैरह वेयर कर लिया है, बेसिकली कभी टॉप वेयर करता नहीं हूँ, बट यहाँ ठंड -5 डिग्री करीब है जिसकी वजह से मुझे ये वेयर करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने है मंदिर हमारे जस्ट, और दोस्तों डिस्टेंस रह गया 600-700 मीटर का। और दोस्तों वो टाइम आ चुका है बाबा का बाबा के दर्शन करने का। 100 वाला है, अच्छा ये 250 वाला है, ये 100 वाला, ये 200 नहीं, ये 200 वाला, 200 वाला, ठीक है, कवर में जितने सब 200, ये 100, ये 200, ये 250, ओके। गाइस फाइनली मैंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और आप दोस्तों मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है बाबा केदारनाथ का धाम। और दोस्तों आपको नॉलेज से बता दूं, जब भी आप यहाँ पे आए अगर आपको जल वगैरह चढ़ाना था, आप 5 बजे यहाँ पे आ सकते हैं और जल आराम से चढ़ जाएगा। अभी घड़ी में दोस्तों 7:30 बज गए हैं और आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा बेहद ही दुर्लभ नज़ारा है। और दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। और मैंने दोस्तों अच्छे दर्शन कर लिए, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ों में बर्फ जमी हुई है। और आपको दोस्तों नॉलेज के लिए बता दूँ यहाँ पे भी टेम्परेचर -6 डिग्री है, तो इससे दोस्तों अंदाजा आ सकते हैं यहाँ पे ठंड का।